असलकुम डेयर स्टूडेंट्स बी काम फोर्थ ईयर द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर वन के साथ प्रोफेसर सलीम खाबर मलिक स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है कम्युनिकेशन कहते हैं गुफ्तु बातचीत डिस्कशन कन्वर्सेशन मवालात कम्युनिकेशन इज़ सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू एन अदर कि हम जो गुफ्तगु एक दूसरे से करते हैं एक जगह से दूसरी जगह करते हैं ये कम्युनिकेशन कहलाती है एवरी कम्युनिकेशन इन वॉल्स एटलीस्ट वन सेंडर अ मैसेज एंड आ रिसेप्शन कि वो जो एक भेजने वाला है एक रिसीवर है और दरमियान में जो मैसेज है ये तीन चीज़ें बहुत जरूरी हैं और मीडियम भी होता है किस जरिए से हम बातचीत कर रहे हैं दीज इंक्लूड सॉरी दीज इंक्लूड आवर इमोशंस द कल्चरल सिचुएशन द मीडियम यूज टू कम्युनिकेट एंड इवन आवर लोकेशन ये है कम्युनिकेशन गुफ्तु बातचीत जबकि हमारा जो टॉपिक है हमारा जो सब्जेक्ट है

एंड एक्टिविटीज एज वेल एज इंक्रीज प्रॉफिट विद इन द कंपनी तो कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में ये याद रखिएगा हम जो आपस में गुफ्तु करते हैं घर में इधर उधर वो कम्युनिकेशन है देखिए जब हम एक पर्टिकुलर बात करेंगे किसी काम की किसी बिजनेस की उसे हम कहेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन गॉट इट जी नेक्स्ट जी इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत अहम है हम बिजनेस कम्युनिकेशन की अहमियत के बारे में डिस्कस करने लगे हैं जी लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हकीकत है कि किसी भी इदारे के लिए किसी भी तंजीम के लिए किसी भी कंपनी के लिए कम्युनिकेशन जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो लाइफ ब्लड है कम्युनिकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ कम्युनिकेशन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितनी असरअंदाज है आपकी बातचीत कि आप कैसे सौदा बेच सकते हैं आप किस तरह के डेफिनेटली आप आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंपनी के सो कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द की टू सक्सेस जी नंबर टू है जी ग्लोबल कम्युनिकेशन बिजनेसिस आर वर्किंग ऑन ग्लोबल एंड नैशनल स्केल सिर्फ अफाकी पूरी दुनिया में और कौमी सतह पर कारोबार चल रहे हैं दर्क प्लेस इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्राउंड बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बैकग्राउंड बिलीफ एंड क्रैक्टर्स एंड दस क्रिएट्स लिंक्स दैट ज्वाइन ऑल ऑफ दैम तो ये है बिज़नेस कम्युनिकेशन जो लोगों को मिलाती है उनके हक उनकी चीज़ों के बारे में जानती है तो बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर थ्री है जी द इंफॉर्मेशन एज देर इज अ ग्रेट ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स एंड यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे किस तरह से उसको मैनेज कैसे करते हैं प्रोडक्शन कैसे है उन प्रोडक्शन से जो होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल कैसे लाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन एज सच ग्रेट इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड असैस प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेटेड एफिशेंटली थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन तो ये डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिकेशन है जो आपके काम को आपकी कंपनी को बेहतर करती है नेक्स्ट है जी टीम बेस्ड बिजनेस इन्वामेंट इंटरनल कम्युनिकेशन में भी डाउनवर्ल्ड अपवर्ल्ड आरिजें हॉरिजेंटल वट एवर द फॉर्म इज इट इंकरज टीम बेस्ड इन्वामेंट हमें टीम बेस्ड इन्वायरमेंट पैदा करती है ये दिस इन्मेंट ऑफ कॉपोरेशन एंड कॉर्डीनेशन इज इंहानस्ड थ्रू बिजनस कम्युनिकेशन तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो जब टीम बेस्ड बिजनेस इन्वायरमेंट पैदा करेगी तो डेफिनेटली हम उससे बेहतर अंदाज से अपनी कम्युनिकेशन करके अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं एडवांसिंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एंड प्रोग्रेसिंग बट इट्स यूजेज इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल बड़ा मुख्तलिफ बहुत पेचीदा है कम्युनिकेशन गिव्स इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट न्यू एडवासमेंट्स बट आल्सो अबाउट देयर राइट यूज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट इंफॉर्मेशन इज बेस्ट कन्वेड थ्रू इंटरनेट ई मेल फैक्स मैसेजेस टेली कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सिट्रा आज कल तो आपके पास सोशल मीडिया भी तो है ना तो उस तरह से भी आपकी टेक्नोलॉजी जो है प्रमोट हो रही है उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपकी बिजनेस इंप्रूव हो रही है मार्केटिंग हो रही है नेक्स्ट है जी सिक्स नंबर स्ट्रोंगर डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉगर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर पॉसिबल थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन बिल्कुल सेवन है जी इंक्रीज प्रोडक्शन वर्कर्स आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड वर्कर्स नीड टू बी इंकरेज थ्रू कम्युनिकेशन बेटर कम्युनिकेशन लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है ना काफ़ी चीज़ें जब आप अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्शन बेहतर होती है जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा है नंबर एट है जी अर्ली वार्निंग ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ हकीकत है कहीं भी मसाइल तब पैदा होते हैं जब अवेयरनेस की आगही की चीज़ों को जानने की कमी होगी कम्युनिकेशन नॉट ओनली वांस अर्लियर बट आल्सो सजेस्ट सम सोल्यूशन टू सॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम ऐसा है ना नंबर नाइन है जी स्ट्रॉगर बिजनेस रिलेशनशिप्स बिजनेसिस आर नॉट डन इन एसोलेशन दे आर जॉइंट एफर्ट सिर्फ घर में बैठ के आप काम आप नहीं कर सकते बल्कि आपको किसी के साथ अटैच होना पड़ेगा बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस रिलेशन एंड इन दिस वे बिजनेस फ्लॉरिश फिर काम बढ़ते हैं तरक्की करते हैं

आइज ऑफ़ कस्टमर्स वैन द कंपनी मैनेजमेंट इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद द कंपनी मेम्बर्स एज वेल एज द कस्टमर्स कंपनी मेंबर्स के साथ आपके साथी जो हैं आपके कलीग्स जो हैं उनके साथ और फिर जो कस्टमर्स हैं आपके आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपको बिजनेस देते ही हैं उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए तो बिजनेस कम्युनिकेशन इन्हांसेज द गुड विल ऑफ द कंपनी Through inside and outside communication. Lower employee turnover. Higher turnover of the employees increases the expenses of the company <laughs> and decreases the productivity. Communication satisfies the employees and reduces their turnover. Communication creates a higher level of satisfaction among workers. Number 13 better financial reserves. Satisfactory. Communication gives rise to satisfied workers and satisfied workers generate better financial results and higher return for investors. Ke aap जब भी जो भी पैसा लगाता है कोई भी तो सेटिस्फैक्शन सेटिसफैक्टैक्ट्री जो कम्युनिकेशन होती है वो आपको सेटिस्फाइड वर्कर्स एंड सेटिस्फाइड वर्कर्स जो होंगे वो अच्छी बात है हकीकत है बेहतर आपके फाइनेंशियल रिजल्ट देंगे प्रोडक्शन अच्छी है तो इससे डेफिनेटली आपको क्या होगा फ़ायदा होगा तो हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इन्वेस्टर के लिए भी हायर रिटर्न हो सकता है अकाउंटिंग वैल्यू कम्युनिकेशन हैज़ ग्रेट अकाउंटिंग वैल्यू

विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी कैन ईजली ओवरकम द प्रॉब्लम चाहे वो घर के हैं या बिजनेस के हैं वो हम कम्युनिकेशन के जरिए से हल कर सकते हैं मुजाकर जिसे हम कह सकते हैं उसके जरिए से हल कर सकते हैं बिल्ड्स अप पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो बिटवीन पर्सन एंड हज़ ओन सेल्फ द सेल्फ कम्युनिकेशन रिमूव्ज द इनर कॉन्फ्लैक्ट्स बिल्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है जो हमारे लिए बहुत अहम है तो जैसे स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है स्टे ब्लैस स्टे ट्यून्ड अल्लाह हाफिज़